गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन मलकर आज मैं आपको कक्षा चौथी का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय 4.2 की बात एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। मोहन के पिता ने वर्ष 1992 में ढाई लाख सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,72,961 रुपए, वर्ष 1993 में ढाई लाख सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,18,630 रुपए और वर्ष 1994 में ढाई लाख सैकड़ा हजार 10,34,08,541 रुपए कमाए। बताइए उन्होंने 3 वर्षों में कुल कितने रुपए कमाए। यहाँ पे कुल है, कुल का मतलब जोड़ना है। 3 वर्षों के रुपए दिए गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। आइए सवाल हल करते हैं। मोहन के पिता ने वर्ष 1992 में रुपए कमाए बराबर 2,71,961 रुपए, वर्ष 1993 में रुपए कमाए बराबर 2,18,630 रुपए, वर्ष 1994 में रुपए कमाए बराबर 3,34,08,540 रुपए। हमने तीनों को लिख दिया, इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 × 1 = 2, 6 × 3 = 9, 9 × 4 = 13, 13 × 3 = 3, हासिल आए 1, 9 × 1 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 5 = 21, किसका 1, हासिल आए 2, 8 × 1 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 8 = 19, 19 × 8, हासिल आए 1, 7 × 1 = 8, 8 × 1 = 9, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8 और 3 × 3। तो हमारी संख्या क्या हुआ, ढाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 38,99,132 रुपए। अब हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर लिखेंगे 3 वर्षों में कुल 38,99,132 रुपए कमाए। जैसे मैंने सवाल समझाया है वैसे ही बाकी सवालों को ध्यान से पढ़कर कॉपी में हल करें।